Hello dear students welcome to my channel npc gyan bhandar subscribe my channel npc gyan bhandar and also tap the bell button for updates myself nirmal prajapati online classes by npc gyan bhandar class 5 to 10 subject math science and computer of any boards icse cbse Jack or any state board of english medium Class 11th and 12th subject physics, math, and computer science of any board, CSC, CBSC, jack or any state board of English medium. For more information, contact on my WhatsApp number 9431703940. And note personal online video classes also given here that are charge chargeable. COVID 19, stay at home, study at home. Central. प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग शॉर्ट में सी बोलते हैं चलिए इसको रीड करते हैं ए सी पी यू इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब सी जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है अगर सी पी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोई भी पेरीफेरल डिवाइस वर्क नहीं करेगा क्योंकि यही ब्रेन होता है सी का ओके इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेस सी ही रेस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रहा है जो भी फंक्शंस हो रहा है वो सी के ही द्वारा हो रहा है नेक्स्ट रिगार्डिंग कंप्यूटिंग पावर द सी पी यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मतलब पावर के अलावा पावर को छोड़ कर अगर देखें तो हम लोग सी पी यू जो होता है कंप्यूटर का मोस्ट एलिमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का ओके बिना सी पी यू का कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं ओके okay. बिना पावर का आप यूपीएस लगा के कर सकते हैं लेकिन बिना सीपीयू का वर्क नहीं करेगा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट द सीपीयू इज कॉम्प्राइज ऑफ थ्री मेन पार्ट्स सीपीयू जो होता है तीन मेन पार्ट से मिलकर बना होता है चलिए इसको देखते हैं कौन कौन से तीन मेन पार्ट्स हैं फर्स्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको शॉर्ट में ए एल यू बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स ओके इसमें क्या होता है चलिए इसको जानते हैं एक्सक्यूजेज ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अर्थमेटिक कैलकुलेसन लाइक एडिशन सब्टशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविज़न लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कॉम्पेयर नंबर्स लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जिसको हम शॉर्ट एल्यू बोलते हैं इसमें क्या होते हैं जितने भी अर्थमेटिक मतलब एडिशन सब्टशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन और लॉजिकल यानी कॉम्परे कंपेयर करना है कोई लेटर्स को स्पेशल कैरेक्टर्स को तो वो सारे काम कहाँ होते हैं एल यू में ओके एल यू जो कंप्यूटर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होता है नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग शॉर्ट में सी यू बोलते हैं और बच्चों जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसका एवरेवियशंस याद कर करके ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कंट्रोल यूनिट्स जिसको हम लोग सी यू शॉर्ट में बोलते हैं कंट्रोल कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट्स क्या करता है कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर्स कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करता है मतलब इनपुट्स को प्रोसेस के साथ जोड़ता है फिर प्रोसेस करके स्टोरेज में भेजता है फिर स्टोरेज को फिर प्रोसेस में जोड़ता है और फिर आउटपुट्स डिवाइस में जोड़ता है इस तरह से ये जो कंट्रोल करता है ये कौन करता है सीपीयू का एक कंट्रोल यूनिट होता है जो इसको कंट्रोल करता है नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या करता है देखिए फर्स्ट रीड द कोड फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड क्या करता है कोड को रीड करता है कौन कंट्रोल यूनिट कि आगे क्या काम करना है नेक्स्ट इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट क्या करता है प्रोग्राम काउंटर को भी इंक्रीज करता है मतलब आगे पढ़िएगा प्रोग्राम काउंटर क्या होता है जो जिससे क्या होता है इंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ता है तो ये भी काम कौन करता है कंट्रोल यूनिट्स ओके नेक्स्ट रीड व्हाट एवर डेटा द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्स फॉर सेल इन मेमोरी रीड करता है कि क्या डेटा सेल मेमो रीड करता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में चाहिए सेल से ओके okay? फिर प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा टू एन ए एल यू और रजिस्टर्ड रजिस्टर ओके जितना नेसेसरी डेटा है उसको क्या करता है ए एल यू में भेजता है या रजिस्टर में भेजता है आगे पढ़िएगा रजिस्टर क्या होता है ओके okay? इस सब आगे हायर क्लास में है नेक्स्ट इफ़ द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्स एन ए एल यू और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कॉम टू कम्प्लीट इंस्ट्रक्ट दार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड ऑपरेशन अगर इंस्ट्रक्शंस कोई एक इंस्ट्रक्शंस ए एल यू को चाहिए और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर को चाहिए कंप्लीट करने के लिए तो क्या करता है ये कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट करता है हार्डवेयर को कि वो काम करना है सपोज हम लोग कोई भी डेटा सपोज हम लोग कोई चीज़ कोई कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग सिंपल प्रिंट पे क्लिक करते हैं लेकिन इसके बीच में कितना प्रोसेस होता है आप साथ अनुमान भी नहीं लगा सकते ओके वो क्या करता है इंस्ट्रक्शंस को लेता है फिर कंट्रोल विंडोस प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है कि प्रिंट करना है चालू हो जाओ ओके तो उसके बाद फिर प्रिंट होने के बाद प्रिंटर फिर ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक देखे होंगे आप लोग प्रिंटर जब प्रिंट करते हैं तो ओके तो ये सारे कम पैरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल भी करता है कौन कंट्रोल यूनिट्स कहाँ का कंट्रोल यूनिट्स कहाँ रहता है सी में नेक्स्ट है रजिस्टर देखिए रजिस्टर्स दिया हुआ है थोड़ा ओके रजिस्टर्स क्या होते हैं रजिस्टर्स स्टोर्स दी डेटा दैट दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया ओके ये क्या होता है ये रजिस्टर्स भी डेटा को ही स्टोर करता है लेकिन बहुत स्मॉल डेटा को ओके okay? और ये बहुत फास्ट स्टोरेज एरिया होता है जो तुरंत खाली कभी भरता है कभी खाली होता है कभी भरता है खाली खाली होता है ओके okay? इस तरह से नैनो सेकेंड में भी इसका इस्टोरेज खाली हो सकता है भर सकता है नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी ओके चलिए मेमोरी एलिमेंट्स में जाते हैं प्राइमरी मेमोरी ओके प्राइमरी मेमोरी ओके मेमोरी दो तरह के होते हैं एक प्राइमरी एक सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी देखते हैं क्या होते हैं ओके प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट रैम रैम व्हाट इज रैम बहुत सारे इसको बहुत बच्चे इसको राम पढ़ते हैं लेकिन ये राम नहीं है ये रैम है आर एम रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग शॉर्ट में रैम बोलते हैं ओके okay? इज ए मेमोरी स्कीम विद इन द कम्प्यूटर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन टेम ऑन ए टेम्परिरी बेसिस सो दैट इट कैन बी प्रॉम्प्टली एक्सेस्ड बाई द प्रोसेसर एज एंड वेन नीडेड इट नीडेड फ्लिस्टॉप ओके नेक्स्ट इसमें देखिए क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक इस तरह का मेमोरी होता है एक टैम मतलब स्टोरेज स्टोर करता है डेटा को लेकिन टेम्प्रोरी परमानेंटली नहीं ओके okay? जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे रैम से डेटा क्लियर हो जाएगा ओके okay? मतलब सारा डेटा डिलीट हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी होता ही है, ये ही है, है ये और ये टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करता है मेन पॉइंट है ये प्राइमरी का ये टेम्प्रोरी टेम्प्रोरी स्टोर करता है डेटा को इसको याद रखिएगा बच्चों इट इज़ अ वोलाटाइल इन नेचर ये वोलाटाइल होता है मतलब विच मीन्स द डेटा विल बी इरेज्ड वन सप्लाई टू दी इस्टोरेज डिवाइस टर्न इज टर्न ऑफ ओके मतलब वोलाटाइल मतलब क्या जब भी हम लोग पावर ऑफ कर देंगे या ये इस्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा सेकेंडरी इस्टोरेज में यह डेटा तो वहाँ से वो डेटा क्लियर हो जाएगा रैम से ओके okay? रैम इस्टोर डेटा रैंडमली एट द प्रोसेसर एक्सेस दिस डेटा रैंडमली फ्राम द रैम स्टोरेज रैम क्या करता है डेटा को स्टोर करता है रैंडमली रैंडमली मतलब कोई सीरियली नहीं करता है रैंडमली कभी ये डेटा आया कभी दूसरा डेटा आ जाएगा ओके कभी हम लोग कैसे म्यूजिक प्ले करते हैं तो म्यूजिक प्ले वाला डेटा चला जाएगा रैम में उस समय जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो वाला डेटा चला जाएगा वो तो जिस समय जो यूज करेंगे कंप्यूटर में उस समय जो प्रोसेस होगा वही डेटा स्टोर रहेगा रैम में नेक्स्ट रैम इज रैम इज कंसिडर्ड रैंडम एक्सेस बिकॉज यू कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल डायरेक्टली इफ यू नोज द रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट दिस एट दिस सेल ओके ये रैम जो होता है उसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है क्यों क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी से एनी टाइम डायरेक्टली अगर हमें पता हो रो और कॉलम उस सेल का जिस सेल में ये इंटरसेक्ट है इन, ओके तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट है रोम ओके जिसको हम लोग जिसका एवरीविएशन है रीड ओनली मेमोरी जिसे शॉर्ट में रोम बोलते हैं रोम इज परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज रोम भी क्या है परमानेंट फॉर्म है रैम जो है हो टेम्प्रोरी होता है लेकिन रोम परमानेंट होता है प्राइमरी मेमोरी में, में रहता है ये प्राइमरी मेमोरी मतलब कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होता ही होता है जैसे कभी फ़ोन खरीदते होंगे तो रोम रैम दोनों होता होगा तो कंप्यूटर में भी रैम रोम दोनों होता है ओके तो ये मेमोरी होता ही होता है कंप्यूटर में बिना मेमोरी का कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि डेटा को उसे कुछ सेकेंड के लिए उनसे भी होल्ड करके रखना पड़ता है डेटा को तभी जा वो प्रोसेस करेगा ओके जैसे किचन किचन बताए थे ना एग्जाम्पल किचन में जगह होता ही होता है कुछ रखने के लिए एज सेम में भी जगह होता ही होता है थोड़ा या ज़्यादा रोम रोम इज परमानेंटली फॉर्म ऑफ स्टोरेज रोम जो परमानेंट फॉर्म होता है स्टोरेज का रोम स्टेज एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेदर पावर सप्लाई टू बी टू इट टर्न ऑन और ऑफ़ देखिए रोम जो है वो एक्टिव रहता है चाहे उसमें पावर सप्लाई ऑन है या ऑफ है वो मैटर नहीं करता है रोम हमेशा वर्क करता है रोम डिवाइस डू नॉट अलो डेटा स्टोर्ड ऑन देम टू बी मॉडिफाइड। रोम डिवाइस रोम में जो भी डेटा होता है वो डिवाइस को अलो नहीं करता है कि वो उसको मॉडिफाई कर सके ओके मॉडिफाई नहीं करता है वो नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी ओके सेकेंडरी मेमोरी ये था प्राइमरी मेमोरी नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी टोर एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली परमानेंटली इट्स इट्स रिटेन आफ्टर द पावर इज़ टर्नड ऑफ मतलब डेटा को ये परमानेंटली स्टोर करता है चाहे उसमें पावर रहे या ना रहे सेकेंडरी मेमोरी में डेटा रहता ही रहता है जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं या मोबाइल ऑफ भी कर दें या बैटरी भी खोल भी दे तो भी मेमोरी कार्ड से वो डिलीट नहीं होता है कुछ भी चीज़ जैसे कोई फोटोज कोई वीडियोज कोई सॉन्ग्स कोई फाइल्स तो ये रहता ही रहता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का ये खास बात है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है चाहे समय पावर रहे या ना रहे फर्स्ट फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड ड्राइव एच डी ओके okay, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ए हार्ड डिस्क इज़ द पार्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ एंड कॉल्ड डिस्क ड्राइव हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क दैट स्टोर्ड एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज्ड सरफेस और सेट्स ऑफ सरफेस हार्ड ड्राइव जो कि सी के अंदर होता है हर एक कंप्यूटर के सी में एक हार्ड ड्राइव होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है जिसको हम लोग कभी शॉर्ट में डिस्क ड्राइव हार्ड ड्राइव ओके हार्ड डिस्क इवेन बोलते हैं ये सब ओके okay, और ये क्या करता है ड्राइव स्टोर um, करता है डेटा को और क्विक एक्सेस करता है जब भी ज़रूरत पड़ता है एक्सेस करता है डेटा को और और इसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है हार्ड डिस्क में ये टेरा बाइट्स में आता है आगे बताएंगे मेमोरी साइज ओके सब में बताएँगे और ये हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स चार्ज के फॉर्म में उसको रखता है डेटा को नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जिसको शॉर्ट में ओ बोलते हैं दैट यूजेज लेजर लाइट एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रीडिंग और राइटिंग डेटा टू और फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है एक डिस्क ड्राइव होता है जो लेजर लाइट यूज करता है उसमें रीडिंग और राइटिंग के टाइम ओके okay? जिसमें रीड करना है या डेटा राइट करना है तो उसमें वो क्या करता है लेजर यूज करता अल्सो कॉल्ड बर्नर ऑफ राइटर्स। कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडीज़, ब्लू रेज डिस्क आर कॉमन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया व्हिच कैन बी रीड एंड रिकवर्ड बाय सच ड्राइव्स ऑप्टिकल ड्राइव्स इज अ जेनरिक नेम ड्राइव्स आर यूजुअली डिस्क्राइबड एज सीडी, डीवीडी और ब्लू रे फॉलोड बाय ड्राइव रटसेट्रा द थ्री देयर आर देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया सी डी डिवीडी एंड ब्लू डिस्क सी डीज कैन स्टोर अप टू सेवन हंड्रेड मेगावाइट्स एम बी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एंड डिवीडीज कैन स्टोर अप टू एट पॉइंट फोर जी बी ऑफ डेटा ब्लू डेज डिस्क विच आर दी न्यूएस्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया कैन स्टोर अप टू फिफ्टी जी बी ऑफ डेटा दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज क्लियर एडवांटेज ओवर दि फ्लॉफी डिस्क इस्टोरेज मीडिया ए मैगनेटिक मीडिया जो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज मीडिया होता है वो मैग्नेटिक मीडिया होता है ओके विच ओनली हैज कैपेसिटी ऑफ वन पॉइंट ओके जो फ्लॉपी डिस्क होता था वो वन पॉइंट ही स्टोर कर सकता था लेकिन ऑप्टिकल डिस्क जो थ्री टाइप का आता है आजकल सी डी और ब्लू रे डिस्क ओके सी जो पहले ज़माने में आता था जिसमें एक सी में एक ही मूवी हो एक मूवी के लिए दो सी होता था पार्ट वन पार्ट टू और फिर उसके बाद आया डीवीडी जिसमें एक सीडी में पांच मूवी आता था मैक्सिमम पाँच छः ओके क्योंकि उसका स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा होता था सीडी से सीडी कितना स्टोर कर सकता था सेवन हंड्रेड एम ओके एंड डीवीडी 8.4 जीबी एट पॉइंट फोर जी ओके और ब्लू रे डिस्क जो कि न्यूएस्ट टाइप है ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क का वो फिफ्टी जी डेटा इस्टोरेट करता है आजकल ओके तो ये था ऑप्टिकल डिस्क ओके तो पहले ज़माने में आता था फ्लॉपी डिस्क जो 1.44 MB ही स्टोर करता था चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं थर्ड क्या है थर्ड फ्लैश डिस्क ओके फ्लैश डिस्क क्या है चलिए देखते हैं स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लॉपी फ्लैश मेमोरी चिप एक स्टोरेज मॉड्यूल होता है जो फ्लैश मेमोरी चिप से बना होता है फ्लैश मेमोरी चिप देखेंगे क्या होता है आगे ओके फ्लैश डिस्क हैव नो मैकेनिकल प्लेटर्स टू और एक्सेस आम बट द टर्म डिस्क इज यूज बिकॉज द डेटा आर एक्सेस एज इफ दे वेयर ऑन दार्ड ड्राइव द स्टोरेज द डिस्क स्टोरेज इस्ट्रक्चर इज इम्यटेड इसमें डिस्क इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि इसमें डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जनरली इसमें फ्लेटर्स नहीं होता है मैकेनिकल फ्लेटर्स नहीं होता है एक्सेस आम नहीं होता है लेकिन इसमें डिस्क यूज किया गया है क्योंकि ये आ, हर ड्राइव में जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसलिए इसमें डिस्क यूज हुआ है द डिस्क स्टोरेज स्ट्रक्चर इज इमुलेटेड इसमें जो डिस्क स्टोरेज होगा उसको इमुलेटेड कर सकते हैं मतलब हम लोग कभी मन किया तो निकाल सकते हैं ओके नेक्स्ट है बिटवीन मेन मेमोरी रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क क्या क्या कॉम्पेजन है क्या क्या डिफरेंस है ये लेफ्ट साइड रैम है राइट साइड हार्ड डिस्क है ओके okay? मेमोरी स्टोरेज इसमें क्या होता है ये मेमोरी है वो स्टोरेज है ये सिर्फ मेमोरी थोड़ा देर के लिए याद करके रखेगा लेकिन वो स्टोरेज स्टोर करके रखेगा नेक्स्ट स्मॉलर अमाउंट ये छोटा साइज में आता है लेकिन वो मच लार्जर अमाउंट टिपिकली एटी जी बी टू वन थाउजेंड जी बी ओके यानी जो वन टी बी होता है ओके हार्ड डिस्क टी बी में भी आता है ट्रै में और रैम जो होता है वो छः जी बी तक यहाँ तक कि आजकल कल बारह जी बी तक आने लगा है टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रैम जो होता है टेम्प्रोरी स्टोर करता है लेकिन हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोर करता है ए लिटिल लाइक यू रियल डेस्कटॉप हैज़ ओनली ओनली योर करेंट वर्क ऑन इट ये एक लिटिल लाइक like डेस्कटॉप है जो जिसमें जो चीज़ प्रोसेस हो रहा है वही चीज़ दिखेगा रैम में ओके okay? रैम में स्टोर रहेगा लेकिन ये लाइक है फाइल कैबिनेट फाइल कैबिनेट देखें फाइल कैबिनेट जो हम लोग जैसे फाइल को स्टोर करके रखते हैं कैबिनेट uh, में तो फाइल कैबिनेट में क्या होता है बहुत सारा फाइल होता है उसी तरह ये एक हार्ड डिस्क जो होता है वो फ़ाइल कैबिनेट की तरह होता है बहुत सारा चीज़ स्टोर होता है उसमें ओके okay? लेकिन रैम जो होता है सिर्फ़ एक फ़ाइल की तरह होता है जिसमें एक ही डेटा स्टोर होता है ओके okay? नेक्स्ट कंटेंट्स डिसपियर वैन यू टर्न ऑफ द पावर टू द कंप्यूटर एंड वन द कंप्यूटर्स क्रैशेस रैम जो होता है वो डेटा रैम का जो डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है जब वो ऑफ कर देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो डेटा कंप्यूटर ऑफ करने के बाद रैम में या फिर कंप्यूटर क्रैश होता है तो एंड हार्ड ड्राइक्स हार्ड ड्रिक्स में कंटेंट रिमेंस वैन यू टर्न ऑफ द पावर टू द कंप्यूटर दे डोंट डीएपियर अनलेस यू परपसली डिलीटेड देम when the कंप्यूटर crashes एंड when द कंप्यूटर crashes ये क्या होता है हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो कंप्यूटर ऑफ रहे तो भी डिलीट नहीं होगा जब तक हम उसे डिलीट खुद से ना करें ओके कंप्यूटर क्रेश हुआ तो भी वो डिलीट नहीं होगा डिसपियर नहीं होगा कंसिस्ट ऑफ ए चिप रैम जो होता है वो चिप में कंसिस्ट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हार्ड डिस्क क्या होता है कंसस्ट ऑफ हार्ड डिस्क जो प्लेटर्स होता है प्लेटर्स ओके okay? प्लेटर्स क्या होता है आगे जानिएगा आप लोग जब हार्ड ड्राइक्स हार्ड डिस्क के बारे जब ज़्यादा पढ़िएगा और वैन यू आंट टू यूज ए प्रोग्राम ए टेम्प्रोरी कॉपी इज़ पुट इन टू रैम एंड देट्स द कापी यू यूज जब हम लोग कुछ भी प्रोग्राम यूज करते हैं तो क्या करता है टेम्प्रोरी कॉपी को रैम में पुट करता है जिसका जिसका कॉपी हम लोग यूज करते हैं एंड डिस्क ड्रा हार्ड डिस्क ऑल द ओरिजिनल कॉपी ऑफ़ द प्रोग्राम परमानेंटली हार्ड डिस्क में ओरिजिनल कॉपी हमेशा यूज होता है ओके okay? लेकिन रैम में क्या होता है सपोज हम लोग कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वो टेम्प्रोरी उसका कॉपी आता है रैम में लेकिन वो जो मूवी होता है जो वीडियो होता है वो कहाँ रहता है मेमोरी में ओके okay? सेकेंडरी मेमोरी में नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं चलिए जानते हैं ये सारे थे इनपुट डिवाइस उसके बाद मेमोरी आ गया उसके बाद आउटपुट डिवाइस ओके एंड आउटपुट डिवाइस इज एन एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज ए कंप्यूटर व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इनपुट डिवाइस क्या करता था ह्यूमन रिडेबल फॉर्म डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करता था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जैसे उसका उल्टा करता है जैसे उसका उल्टा करता है जो इनपुट डिवाइस का ये क्या करता है कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन क्रिएट किया वो कंप्यूटर अंडरस्टेंडेबल में है मतलब कंप्यूटर उसको समझ सकता है ह्यूमन नहीं समझ सकता उसके लिए क्या चाहिए आउटपुट डिवाइस हमारे समझने के लिए वो उसको मॉनिटर में शो करेगा या स्पीकर में प्ले करेगा मॉनिटर में प्ले करेगा या प्रिंटर में प्रिंट आउट करेगा तभी हम उसको समझ पाएंगे ओके okay? नहीं तो वो कंप्यूटर फॉर्म में रहेगा तो वो नहीं समझ पाएंगे तो आउटपुट डिवाइस का काम है वो कंप्यूटर फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करना है ओके okay? तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस सी आर जो पहले के ज़माने में आता था कंप्यूटर अभी भी है कहीं कहीं लैब में टी एफ लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर डॉटमेट्रिक्स प्रिंटर स्पीकर प्लोटर्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स ओके एग्जाम्पल ऑन आउटपुट डिवाइसिस मोनिटर एल सी डी प्रोजेक्शन पैनल प्रिंटर ऑल टाइप्स कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल प्लोटर स्पीकर प्रोजेक्टर नोट बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर ए कैथोड रेड ट्यूब सी आर टी बी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल सी डी ओके सी लाइट इमिटिंग डायोड एलई डी ओके प्रिंटर टाइप लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर और डॉटमेटिक्स प्रिंटर तीन तरह का प्रिंटर आते हैं ओके ये सब का मोनिटर का टाइप्स और प्रिंटर का टाइप्स थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब माई चैनल एन पी सी ज्ञान भंडार स्टे एट होम स्टडी एट होम